मुख्यालय पर महिला उद्यमियों को आगे लाने और घरेलू महिला उद्यमियों को घर से बाहर निकालकर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टोंक की एक सामाजिक संस्था ने 3 दिवसीय लेडीज विंटर फेयर का आयोजन किया, जिसमें लगी सभी स्टॉल्स पर महिलाएं मौजूद हैं, तो खरीदारी के लिए भी महिलाएं उमड़ रही हैं। घरों में काम करने वाली महिलाओं को आने लाने की दिशा में ये सार्थक पहल है, आगे लाने की दिशा में, और महिलाएं इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं। देखिए हमारी ये खास एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट। नारी तू नारायणी, आज की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। एक वानगी देखने को मिली है टोंक के अंदर, जहां पर एक नवाचार हुआ है, महिलाओं का मेला महिलाओं के लिए। महिलाओं ने लगाई स्टॉल्स, खरीदारी करने वाली महिलाएं हैं। तो जिन लोग स्टॉल्स पे जो है देखने को, जो नजारे देखने को मिल रहे हैं, वहां भी जो है महिलाएं देखने को मिल रही है। तो ये एक अपने आप में टोंक के लिए नवाचार है। किस तरह से ये आइडिया आया, बात करते हैं। जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही थी घर से, पर किसी महिला, बहुत महिलाओं को पता नहीं था कि टोंक में भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो घर से काम कर रही हैं। तो ये अखिल भारतीय वैश्य समाज ने बीड़ा उठाया कि जो महिलाएं घर से काम कर रही हैं तो उनको एक छत के नीचे लाए, ताकि टोंक शहर में पता चल सके कि हमारी टोंक की महिलाएं घर से काम कर रही हैं, उनको उनके प्रोत्साहन बढ़े और उनको बहुत सारा आगे बढ़ने का मौका मिले। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा अखिल भारतीय वैश्य समाज के द्वारा कार्य किया गया है। एक अच्छी पहल है। आप क्या खरीद रहे हैं, बच्चों को कुछ खिला भी रहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। विंटर, अभी वैसे भी विंटर वेकेशन से इतना ज्यादा, मतलब वो छुट्टियां बढ़ गई हैं और हो गई हैं, तो फिर लोगों ने अपना टाइम भी यूटिलाइज होता है, महिलाओं के पास वक्त भी है, और महिलाएं ही बाजार चलाती है। बेसिकली महिलाएं नहीं हो तो दुकान पे बिक्री ना हो, इसलिए ये फेयर लगाया गया है कि महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए। आइडिया कैसे आया, आप अध्यक्ष हैं? हमको जब हमने सभी मतलब काफी महिलाओं को देखा कि वो घर से कार्य कर रही है, लेकिन उनका कोई भी मतलब किस को, बहुत सी महिलाओं को पता नहीं है कि क्या कार्य है वो कर रही हैं। हमने सभी महिलाओं से कांटेक्ट किया और उनसे हमने बातचीत करी कि आप लगाना चाहेंगे। तब बातचीत करने के बाद में हमने ये निर्णय लिया कि हम एक ऐसा वेश्या समाज के बैनर तले ये एक मेला लगाए, ताकि ये अपनी अपनी स्टॉल खोले और सभी महिलाओं को पता चले कि हमारे टोंक में किस तरह का महिलाएं कार्य कर रही है, और जो हम जयपुर लेने के लिए जो सामान जाते हैं वो हमारे टोंक में ही महिलाएं बना रही है, और बहुत अच्छा मतलब उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा उनको कोई भी बैनर नहीं मिला आज तक कि उसके तले वो कार्य कर सके। अब किस तरह की उम्मीद करते हैं कि जो है महिलाओं की भीड़ उमड़ेगी, और जो यहाँ जिन्होंने व्यापार के लिए अपने स्टॉल लगाई है, इससे फायदा होगा इन लोगों को भी? सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लस फेसबुक, इंस्टाग्राम और डेली स्टेटस वगैरह हम लोग स्टॉल के जरिए भी, और जो स्टॉल्स ओनर है उनको भी डेली हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय वैश्य समाज के बैनर तले हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उम्मीद है सभी को कि सबको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और सभी मातृशक्ति को एक आगे बढ़ने का जरिया है ये। प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि ये महिलाओं के लिए ही लगाया गया है, और ये जितनी भी लेडीज यहाँ दिख रही है वो सब अपने घर से वर्कआउट करती है और एक दूसरे से कोई भी परिचित नहीं है। इस फील्ड के माध्यम से उनको ये पता चलेगा कि भाई ये लेडी ये वर्कआउट करती है, तो हम भी हर्स के पास जाकर परचेजिंग कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो खुद प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। ये थी कुछ महिलाएं जो कि इस संगठन से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉल जो है जिसे महिलाएं चला रही है, कि आखिर जो है किस तरह से एक नमकीन की स्टॉल है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है हमारे वैश्य समाज की तरफ से, सभी समाज की महिलाओं को एकजुट एक छत के नीचे एक मौका दिया है उन्होंने स्वावलंबी बनने का, और इससे महिलाएं बहुत आगे आएंगी। अपने अपने जो घर से महिलाएं काम कर रही है या मार्केट में कर रही हैं, तो अपने प्रोडक्ट का वो वहाँ यहाँ पे अच्छे से प्रचार कर पा रही हैं, तो इससे वो स्वावलंबी बनेंगी। आज हमारी भी एक रामेश्वर नमकीन के नाम से नमकीन लॉन्च हो रही है, हम लोगों को भी आज इसमें अपने स्टॉल लगाने का मौका मिला है, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं वैश्य समाज का धन्यवाद बोलती हूँ। 4 महिलाएं हैं, कपड़े के एक स्टॉल से खरीदारी करने आए हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, खरीदारी करने आए हैं। ये जो प्रयोग हुआ है कि महिलाओं का मेला महिलाओं के लिए, वैसे भी महिलाएं एक्सपर्ट मानी जाती है खरीदारी करने के लिए, घर चलाने के लिए भी, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो है? जी मेरा ये अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन टोंक के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है कि महिलाएं जो घर से काम कर रही हैं
लेकिन उनको प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा माध्यम ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है अखिल भारतीय वैश्य समाज टोंक के द्वारा। और हमारी ये शुभकामनाएं हम सभी पदाधिकारियों की कि इस ग्रुप में जो यहाँ पर जो स्टॉलें लगाई हैं सभी महिलाओं ने, उनकी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो। बिक्री के अलावा उनको मतलब एक प्लेटफॉर्म इस तरह से दिया गया है कि बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है उनका। मतलब क्या स्टॉल्स पर जो भीड़ उमड़ रही है और ज्यादा महिलाएं आएगी आपको? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, आज तो अभी तो स्टार्ट हुआ है मेला, तो अभी तो 3 दिन का मेला है, तो हमारा तो अनुमान है कि शायद पूरी टोंक की महिलाएं ही नहीं पुरुष भी आएंगे और काफी अच्छी सेल हमारे यहाँ स्टॉल्स को देंगे। और वैश्य समाज कोशिश करेगा कि निरंतर ये प्रयास करता रहे। हमारा वैश्य समाज ने एक अनूठी पहल की जिसमें सभी समाज की वो महिलाएं जो घर से काम करती थी उनको आगे लाने के लिए जो है ये नवाचार है। अब उम्मीद की जा रही है कि जब ये प्रयोग सफल होगा तो जो महिलाएं अपने घरों से जो है उद्योग धंधे करती है उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रविश सलर, NDTV टोंक।